जो मेन टॉपिक है एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान एंड यूएसए गुरबत जो खात्मो पाकिस्तान में अमेरिका जो सरकार इन टॉपिक के हवाले से आज हम गलाइंदुस इन प्रोग्राम में हम सभी आयल मेहमान के भलीकार चवां तो ही जो टॉपिक गुरबत आहे छा उन जा केड़ा सबब थी सदन था एंड गुरबत के पाकिस्तान में कि खत्म करजे इन हवाले से गाइंदे गुरबत जो मकसद है मतलब न होजन जो इंसान जो है तमाम कमजोर कंडीशन में होंगे उन्हें जो बेसिक शे बुनियादी खाद खुराक पना ये शन इनके गुरबत चूँ सकता तो जी इन वक्त दुनिया में 102 मुल्क उन्हें कुछ डेवलप कंट्रीज हैं कुछ जगह से तरक्की वाला ना मुल्क जिते मतलब गुरबत है अस पाकिस्तान के हवाले से गाले अमेरिका जो सरकार सरकार है इन गुरबत के खत्म करने में इन हवाले से गाले यूनानी फिलासफर सुकरात है गुरबत एक अड़ो प्रॉब्लम है वह सभी प्रॉब्लम की मदर है सभी मसलन की जिते गुरबत होंगी उते जाहिलियत होंगी उते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो प्रॉब्लम होंगे सिंपल लफ्ज में ये खड़ी चाहिए तो यहाँ जी माओ है सभी प्रॉब्लम की जी जन्म दिए थी तो अड़े लिहाज से इनके कें तरीके से खत्म करें उन लिहाज से असके पावर न पव असई जान था पाकिस्तान एक एटमी कुवत है उन बावजूद ऐसो तो पाकिस्तान में केतरी तरक्की थी है इन वक्त जी डॉलर की जी कीमत है पाकिस्तान के रुपये के मुकाबले में 134 रुपया है तो इन लिहाज से असंदे तो पाकिस्तान में तरक्की थी रही है या न इन वक्त 2018 आबादी के मुताबिक आदमशुमार मुताबिक पाकिस्तान की टोटल जी आबादी है 22.5 करोड़ है वह आबादी तमाम इलाही है उनकी मुखालफत उनके अपोजिट में जो तो पाकिस्तान में जो रिसोर्सिस नेचुरल रिसोर्सिस तमाम घट हैं उनके अपोजिट वन पा अस ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलप ना उनके कड़े तरीके से डेवलप करो है कड़े तरीके से मुल्क में जो तरक्की आनी है एक जैसे असूँ त गुर्बत इंदी कि है उनका कड़ा सबब है सब का पे असके शी पवी तो अस गुर्बत के खात्मे के लिए क्यों छा कड़ा सबब थी सकन था इन खत्म क्या कर पाकिस्तान में जिते तुम चो दुनिया के दावा से चई सकता तो पाकिस्तान की हुकूमत है पर जर अस घर में कुछ खाने के लिए न हो अस मतलब क्या फेस कर सकते अड़े लिहाज से अमेरिका जो सरकार जो पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करने के हवाले से अमेरिका दुनिया जो ताकतवर मुल्क है जिते साइंस तमाम घड़ी उरूज से पची चुकी है तरक्की कई तीन पाकिस्तान के हर दुखे वक्त में मदद कई है ये वो मुल्क है जैसे पाकिस्तान 1947 में वजूद में आयो तो उन मल पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर के दावत दिन मुल्क में ऑफर कई उन वक्त दुखे वक्त में पाकिस्तान की तमाम घड़ी मदद कई उनका बाद में 9/11 के वाक्य का पाकिस्तान अमेरिका जो तमाम घड़ो वार एंड टेरर से साथ दिनों अमेरिका भी पाकिस्तान के तमाम घड़ो जो असलो वगैरह दिनों जैसा अमेरिका एक जो दावा करे तो सुपर पावर की दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान में दुनिया में जो खात्मो में स्टेप वन पा पर अस हाँ चौंता तो जो पाकिस्तानी अवाम जिते 60 मिलियन मानू जो बेरोजगार हैं जी 40% उन्हें पॉवर्टी लाइन का बिलो जो है सो जिंदगी गुजारे रहा है जिते एक मानू सिर्फ एक डॉलर कमाए तो अज वो अवाम अमेरिका का इन दावा करे तो उनके ही सामों चले तो अस बंदूक ना चाहूँ अस एटम बम ना चाहूँ अस सिर्फ ए सिर्फ तलीम था चाहूँ गुर्बत जो खात्मो था चाहूँ जो गुर्बत होंगी तो असत होंगी
उन गुर्बत के खत्म करने के लिए अज पाकिस्तान जो आवाम अमेरिका से चले तो जिते तुम दक्षिण कोरिया में इन्वेस्ट किया है जिते तुम इंडिया में इन्वेस्ट किया है अज अचो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है जिते ज़रात में इन्वेस्ट कर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर पाकिस्तान में तवानाई जो बहरान है तवानाई में इन्वेस्ट कर जो दुनिया जो वजी में वो प्रोजेक्ट अजक जो पाकिस्तान में हली रो है सीपे जो चाइना पाकिस्तान के कॉपरेशन से पंजे मंजिल दा वधी रो है अगर जड़ा मुल्क अमेरिका जड़ा रशिया जड़ा जर्मनी जड़ा इंग्लैंड जड़ा फ्रांस जड़ा अगर जे मुल्क मिली कर जी अज दहशतगर्द के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग हल रहा है उतना एक सीपे भी गुजरे तो अगर पाकिस्तान चाइना से ही मुल्क सहकार कर सीपे के मंजिल मकसूद का वक्त के तकाजा के ऐसी कर जल्द का जल्द जूरो वे तो समझा तो इतना गुर्बत जो खात्मो थी सके तो केतर ही नौजवान के जी यूनिवर्सिटी में हर साल पास आउट कर डिग्री हथ में खड़ी घुमन था तो इन रोजगार मिलो ए मू जी हुकूमत के खिलाफ जी बंदूक खड़ी जंग कन था यकीन उन मूल के एहसास उन हथ में बंदूक के बजाय कलम हों तो इन लिहाज से असो जो मेन टॉपिक है अमेरिका के सरकार के लिए अपील क्यों था तुम्हें पाकिस्तान की गुर्बत के खात्मे में पाकिस्तान जो सहकार कर घड़ी रिसर्च कर लेट रिसर्च कर पाकिस्तान जैसे 1947 का वही अज के ढी इतना साल गुजरिया था अमेरिका पाकिस्तान के गुर्बत के खात्मे के लिए कड़ा स्टेप है पर मुख्य किथे भी नजर न आयो तो अमेरिका जो पाकिस्तान के गुर्बत के खात्मे के लिए सहकार करे हर जाए पर कड़ी लोग बिल पे मिले किथे जो बिल पी ए टी मिले किथे कई शे भी मिले उन लिहाज से हाँ अस चौंता तो वक्त की तकाजा ये है वक्त जो सीनियर चेंज थी चुको है हाँ जो है सो अस जाए पर तलीम दिनी वे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर ताकि गुर्बत जो खात्मो करें तक याद हों 2012 में यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के एक ऑफर कई तो अस एड तो ना दूँ पर हाँ तक एक बेहतरीन रस्ता हवा क्यों था अस उन तारीख के याद था क्यों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर में आई नेचुरल रिसोर्सिस इतना खाने के लिए पाकिस्तान वट तमाम घना नेचुरल रिसोर्सिस इनके इन्वेस्ट कर अस डायरेक्ट एक्सेस दूँ था रसाई दूँ था यूरोपियन यूनियन मार्केट में यूरोपियन कंट्रीज में जिते तेजी शेयर के इंट्रोड्यूस करा जिते सेल कर सको अमेरिका जो दुनिया की वे में वो मार्केट है जिते दुनिया की वे में वो मार्केट है अस यो चाहूँ तो पाकिस्तान जे एक्सपोर्ट करे तो अगर फ्री टैक्स के जरिए टैरिफ के जरिए डब्ल्यूटीओ के जरिए जैसे पाकिस्तान के प्रोडक्शन के अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया वे वेस्टर्न कंट्रीज में इंट्रोड्यूस कराया वे तो समझा तो पाकिस्तान में तमाम घनी तरक्की जे मू अज गुर्बत वाली जिंदगी बसर कर रहा है उनके रोजगार मिलो एक जी तरक्की वाला मुल्क है उनकी यह जिम्मेदारी भी थे थी तो जी तरक्की पजीर पाकिस्तान जड़ा मुल्क अफगानिस्तान जड़ा मुल्क सोमालिया जड़ा मुल्क नॉर्थ कोरिया जड़ा मुल्क उन मुल्क में इन्वेस्ट कर उतने तालीमी इदारा कायम कर उतने जॉब कर जॉब जो रिसोर्सिस पैदा कर जैसा मुल्क में तरक्की थी तुम ऐसो जो पाकिस्तान में हिमल नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है पीटीआई उनको एक नव स्लोगन है इन का पैदा मैं यह मेंशन करना चाहिए तो जी इदारा जी बैंकू कायम क्यों इंसानी फलाह के लिए जिते कोई कुदरती आफत अचे थी जिलजिलो अचे तो या कोई बो मसलो तो थे उन वक्त उन इदार मुल्क के इमदाद देना है जैमें वर्ल्ड बैंक आलमी बैंक IMF एशियन बैंक ये बैंकू जी तलीमी इदार सपोर्ट कर इंडस्ट्रीज के सपोर्ट कर अज में जैसे पाकिस्तान के कर्जे की जरूरत पी है इन्वेस्ट कर अज उन पाकिस्तान के तमाम घनी शहर में जो है सो कर्जो दिनों तो वे केतर ही कंडीशन लागू कई थी वन मैं चाहता तो पाकिस्तान अगर जैसे कर्जो वे तो एडू सख्त शरायत से पाकिस्तान सर्वाइव कर सो तो इन लिहाज से
इन इदारन के या से याद कर गुजे त जदे ये इदारा बी जगह जी खा कोठाया या त असा मुल्क में अमल कायम करदा से दुनिया में अमल कायम करदा से आए जेके तरकी पजीर मुल्क है उन के जे पासो आसान किस्त पे लोन दीदा से ताकि वो तरकी कर सके और उन जो जो पासो अपोजिट लगो पियो है जिनके पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान जरा जिनके बिया हरी मुल्क है उन के जे पासो तमाम सख्त कंडीशन ते लोन दीदो तो वने ताकि तरकी कर छा पाकिस्तान इन लिहाज से तरक्की कर सको तो रह तो गुर्बत की जिंदगी हो तो पाकिस्तान जो आम तरक्की न तो कर सके अहले लिहाज से जिते वर्ल्ड बैंक आईएमएफ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में उते पाकिस्तान अमेरिका के सपोर्ट कर खपे पाकिस्तान जी जे करे पाकिस्तान के कर्ज की जरूरत है तो बिगिन के इंटरेस्ट जे दिनो है हर संग अमेरिका में जेका टेक्नोलॉजी है जेका उनकी टेक्नोलॉजी आसमान से छुरी आसमान से गाली कर दी अमेरिका ये है जो चंद से पहुंची चुका है छा बे के गरीब मुल्क जो मानू कोई मुल्क चंद से नो पहुंची सके यहाँ इदारा कड़े कम सभी के पासो फायदो थे अड़े लिहाज से अस टॉपिक के लिहाज से पाकिस्तान में गुर्बत जो खात्मो तभी इंद जैसे अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर अमेरिका जरात खाते में तमाम घनी तरक्की कई है तमाम घनी टेक्नोलॉजी है अगर जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए पाकिस्तान के जरा सेक्टर में अगर जैसे अमेरिका इन्वेस्ट करे जो पाकिस्तान जो वे में वो सेक्टर है जिते 42% 42% मानू के रोजगार मिले तो अगर जैसे अमेरिका इन सेक्टर में इन्वेस्ट करे तो समझा तो यकीन पाकिस्तान में 60% मानू के जॉब मिली सिर्फ इन अमेरिका के इन्वेस्ट कर लिहाज से अगर जैसे अमेरिका इनमें इन्वेस्ट करे उन चौदह तो दुनिया में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तमाम घनी अहमियत मिले थी अगर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो तो वे और जी रॉ मटेरियल अस सस्ते कीमत से बहरे मुल्क न मोकलो उनके फाइनल गुड्स में पाकिस्तान में चेंज क्यों बहरे मुल्क मोकलो तो समझा तो पाकिस्तान में तरक्की थी सके थी गुर्बत खत्म थी सके थी तो अड़े लिहाज से पाकिस्तान में जो अजक जो बुहरान है इन बुहरान के खत्म करने लाइन अमेरिका के इन्वेस्ट करें खे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज में एनर्जी तवानी में ताकि अस बुहरान में जो निकली सकूँ इो ही सिर्फ वाहिद हल है कें मुल्क के मैं इन कोटेशन के रिपीट कद चाइनीज एक कोटेशन है कें मू के मछी न खारा अगर जो मेहमान थी अचे तो उनके मछी न खारा सिर्फ उनके मछी पकड़ जो तरीको सेखारो तो वह हर ढी जो बात मछी पकड़े पान भी खाई जो सो कारोबार भी कर रोजगार भी उन जिंदगी जो रवाना सफर भी हल अड़े लिहाज से इन कोटेशन के अमेरिका के मद्देनजर रखें कर यही गाल पे अमल कर घुर्जे तो पाकिस्तान में जेका शे तवा सिर्फ एड नहीं करे क्यों था बिन महीने के लिए तीन महीने के लिए एक गवर्नमेंट बने थी बिल खत्म थी वे पाकिस्तान ओड़े जोड़े लिहाज से डॉलर की कीमत बदलती थी पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह थी वही तो अड़े लिहाज से इन कोटेशन के लिहाज से ऐसी कर पाकिस्तान में केतरा ही सेक्टर आया एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर है सर्विस सेक्टर इनमें इन्वेस्ट कर ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके उन सब का इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है तो पाकिस्तान की आबादी जिते तवा के 60 मिलियन मानू जिनके बेरोजगार नजर इंदा जिते तवा के सस्तो लेबर मिलन अड़े लिहाज से अगर पाकिस्तान में अमेरिका इन्वेस्ट करे जिते अमेरिका के भी फायदो पव पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया जिते हर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हर पॉइंट ते अमेरिका उत्ते इन्वेस्ट किया इो ही इंसानी हुकूक के बुनियाद पर पाकिस्तान दावा कर चवे तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट छो न 9/11 का पाकिस्तान की जब इकोनॉमी तबाह थी चुकी है अस जिंदगी जहाँ नजराना दिनासे इकोनॉमी तबाह कर छी से नवा शहर तबाह कर छियासे मौज के दरिया के खंडर बनाए छियासे अज यो अवाम सवाल करे तो अस वापसी में मिलो असा के सिर्फ गुर्बत एक गोली बो अस मिलो अज इो ही अवाम दावा से अमेरिका के चवे तो पाकिस्तान की गुर्बत में जैसे तवा के खत्म करो है तो अचो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर जिते नौजवान नई उम्मीद से है जिते हर मानू अखिन में ख्वाब खी निकरन था यूनिवर्सिटी में पास आउट कर डिग्री खुलन था तो असा के रोजगार खपे असा पैं मुल्क के लिए असा पैं कौम के लिए अस इंसानियत के लिए कुछ करना चाहूँ था जिते मानू अमेरिका में रहन था सियासतदान साइंसदान थी सकन था डॉक्टर बेहतरीन थी सकन था दुनिया जो कोई बो मू खो थी सके
पर इन लिहाज से असा चलते तो पाकिस्तान डिफीट कर सके तो तुसो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ठाए थी अमेरिका दुनिया के हर मुल्क में मोकलिया वन था जिते उ डॉक्टर उन मानों जो इलाज कन था पर पाकिस्तान में डॉक्टर सुठा ना जी ऑपरेशन कर सकन तो इन के लिए पाकिस्तान जी अमेरिका की मदद कर घुर्जे तालीमी सेक्टर में मदद कर घुर्जे जिते अस एक मिसाल है बरतानिया जो जिते तवे 2200 का यूनिवर्सिटी मिली हुई उन तालीम के एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया जिते तंदूक नजर इंदी जिते इक्वल राइट्स तजर इंदा ह्यूमन राइट्स तेवलप नजर इंदी पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्सिस जिनसे डेवलप ना तो अड़े लिहाज से दुनिया के हर मानू तुम्हें बरतानिया में मिलो तालीम हासिल करने लगे उन भी इन तालीम की अहमियत के समझी सको तो अड़े लिहाज से चूं था तो पाकिस्तान में भी तालीम में इन्वेस्ट किया वाले ताकि मानू के रोजगार मिली सके लिहाज से इन पॉइंट के मद्देनजर रखी चाइना जे मतलब तालीम के सेक्टर में इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में दुनिया के हर गरीब मुल्क में मानू के स्कॉलरशिप दई कर उत तालीम दिनी थी वाले ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया वाले उ मानू वापस अची अफ्रीका हो इंडिया हो अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो वापस अची कर मुल्क की तरक्की कन था उनके जिंदा मिसाल केतरा ही पाकिस्तानी जो डॉक्टर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बहर इंडिया में पढ़ी है पाकिस्तान में मुल्क में जो सर्विस कन था तो अड़े लिहाज से चवान तो अमेरिका के भी ये रस्ता हमवार कर घुर्जन पाकिस्तान के स्कॉलरशिप दियण में तालीम के प्रमोट कर घुर्जे उन वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फ्री ट्रेड फिलो ऑफ फ्री ट्रेड जो अमेरिका की मार्केट में किया वे पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका में पहुंचाई वे यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचाई वे जिते पाकिस्तान तरक्की कर सके तो हाँ इन वक्त भी असरी पॉइंट सोचने घुर्जे तो जेस तीन अस पा तब्दील थे न चाहिंदे तेस तक तब्दील ना सकूँ अस अवाम पाकिस्तानी जो तब्दील थे पवी चुका असि इन वक्त जिन हालात में असि गवर्नमेंट गुजरी रही है उन लिहाज से असा सब का गवर्नमेंट से साकार कर घुर्जे गवर्नमेंट अवाम से होने अवाम गवर्नमेंट से होने अगर जैसे ये ब सेक्टर गवर्नमेंट ए अवाम मिली कर सोचन तो समझा तो पाकिस्तान में गुर्बत जो खात्मो थी सके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन इनसे रिलेटेड है वो जमानो होंद हो जैसे एक मानू कमाइंद हो तो दह खाइंदा हुआ हाँ उनको उलट थी चुको है जैसे दह मानू कमाइन था तो दह खाइन था तो अड़े लिहाज से असा इन शे पॉइंट से समझन खपे सब का वक्त में वक्त असा इन पॉइंट से फोकस कर घुर्जे तो औरतन की तालीम के अहमियत दियन घुर्जे उनके रस्ता हवा क्या वन ताकि तालीम हासिल कर जेस तीन एक घर जहाँ ब फर्द अर्निंग न कदा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप न कदा तो तेस तीन वो घर खुशहाल न तो मुआशरो खुशहाल तो न मुल्क खुशहाल तो अड़े लिहाज से जी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने तरक्की जो राज यो है तो बराबर जेंडर इक्विटी के तालीम दियन असे भी मुआशर में बिन्हीं जेंडर के तालीम दियन घुर्जे जिनसे जी मथे अची कर मुल्क कौम की तरक्की कर सकन था असा वट बेहतरीन लीडर ना है असा वट सोच है असा वट बेहतरीन डॉक्टर ना है असा वट बेहतरीन टीचर ना है असा वट बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ना है असा वट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना है जैसे कर तरक्की ना कर सकूँ असा वट टैलेंट है पर ये शुरू ना है अगर जो टॉपिक है अमेरिका जो सरकार पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करने जमेरिका इन गाल फोकस करे पाकिस्तान के आलमी मंडल में तालीम के अहमियत देना है पाकिस्तान जो शे ठहन थी एक्सपोर्ट उनके अहमियत देना है पाकिस्तान से मिली कर गुर्बत के खात्मे के अहमियत दें तो यकीन मां समझा तो पाकिस्तान में जो खुशहाली थी इहा जिम्मेदारी अमेरिका से भी थे थी जी पाकिस्तान के डिफेंस में दहशतगर्दी के खत्म करने लाए अमेरिका तमाम घो साकार किया है पर इन फील्ड में गुर्बत या ह्यूमन रिसोर्स के डेवलप करने लाए अमेरिका को भी एक अड़ो कदम न किया है जैसा अमेरिका के लिए पाकिस्तान के आवाम के दिल में कुछ खुशहाली हुए या एक पौधो मिले तो अड़े लिहाज से अमेरिका की यह समझना खपे जो बार बार रिपीट क्या तो पाकिस्तान में जैसे तुम गुर्बत के खत्म कर चाहो था तो पाकिस्तान का जैसे एक बेहतरीन दोस्त थियण जो सबूत दियण चाहो था तो पाकिस्तान में गुर्बत तुम सिर्फ तद खत्म कर सकता तो नौजवान के स्कॉलरशिप दियो पाकिस्तान के तलीम इदार में इन्वेस्ट कर पाकिस्तान जो सब का वे में वो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर उनमें इन्वेस्ट कर
जॾहिं तव्हां हिन सेक्टर में इन्वेस्ट कंदव सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कयो तॾहिं पाकिस्तान मां गुरबत ख़तमु थींदी ऐं मुल्क में ख़ुशहाली थींदी छाकाणि 9/11 खां पोइ अफ़गानिस्तान में फाटा में तमामु घणी जेको आहे सो गुरबत आहे जिते माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं तबाह थी चुकियूं आहिनि दहशतगर्दनि जे करे कॾहिं जेको आहे सो ऑपरेशन जे ज़रिए कॾहिं जेको आहे सो दहशतगर्द जे ज़रिए माण्हुनि जो सुकून ख़तमु थी वियो आहे तालीम ख़तमु थी चुकी आहे हिते असां वटि अॼु बि ह्यूमन रिसोर्स जी डेवलप करण जी ज़रूरत आहे ऐं उनखे जेको आहे जिते बेरोज़गारी आहे 30 लख माण्हू जेके अफ़गानी जेके आहिनि से फाटा में रहनि था जिते असांजे ख़ूबसूरत शहरनि खे जेको आहे सो ख़तमु थी चुको आहे जिते माण्हुनि जी आबादी वधी चुकी आहे उन्हनि खे जेको सही सलामती सां पंहिंजे मुल्क मोकिलियो ऐं पाकिस्तान में जेको आहे सो इन्वेस्ट कयो फाटा खे इन्वेस्ट कयो उते तीफ़ा मारियो ताकी मुल्क पाकिस्तान जेको आहे सो ख़ुशहाली करे सघे आख़िर में इहा ई मां हिकु वरी रिपीट कंदो जेकॾहिं अमेरिका चाहे थो त पाकिस्तान मां गुरबत जो ख़ात्मो थिए त पाकिस्तान खे ह्यूमन रिसोर्सिस खे डेवलप करणो पवंदो आलमी बजट में पाकिस्तान जे ट्रेड खे फ्लो कराइणो पवंदो जंहिंसां पाकिस्तान में जेको आहे सो तरक़ी थी सघे तमामु मां जेकॾहिं कोई बि व्यूज़ ॾियणु चाहे त ॾेई सघे थो सफ़ाल जीअं तव्हां चयो त अमरीका अगरि पाकिस्तान खे रिजल्ट में सपोर्ट करणु चाहे थो त असांजे एजुकेशन में सपोर्ट करे छो जो अमरीका हमेशह असांखे जंगनि में ई सपोर्ट कयो आहे ईअं तव्हां चयो त जंगनि सां कॾहिं का बि कमु तरक़ी न आहे कंदी अगरि हू यकीनी तौर ते असांखे तरक़ी याफ़्ता मुल्क ऐं असांखे मतिलबु फ्रेंडली तरह सपोर्ट करणु चाहे थो उहो असांखे एजुकेशन ॾिए ऐं अमरीका ऐं सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त इंडिया पाकिस्तान खां कंप्लीटली अपोज़िट आहे ऐं जीअं हुननि हाणे पाकिस्तान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जेका इंडिया में खोली आहे अगरि उहा ई पाकिस्तान में खोले आहे त अलाई केतिरा नौजवान जेके छोकिरा आहिनि उहे जॉब सां लॻी वञनि ऐं हर साल 1000 लेक्स जे तइदाद में तव्हां छोकिरा आई टी करे था लॻनि सो अगरि जे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पाकिस्तान में खुली वञे हा त बेरोज़गारी इलाही ख़तमु थिया ऐं एग्रीकल्चर जेको आहे पाकिस्तान जो मोस्टली तबाह थी चुको आहे तबाह थींदो थो वञे छो जो जेके रिसोर्सिस न आहिनि जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल असां वटि पाणी जी सहूलियत हुजे पाणी न आहे पाकिस्तान में उनखे अलावा जेके पाकिस्तान में कंप्लीटली ज़मीनूं आहिनि बंजर थी वञनि पाणी आहे न ऐं ॿी जेका ॻाल्हि थी वई त हमेशह असांजो पाकिस्तान जो आवाम जेको चए थो त वी डोंट माना एटल वी डोंट माना गंज वी डोंट माना बुलेट्स वी माना पेन वी माना बुक्स एंड वी माना स्टडीज एंड अगरि उन ऐं ॿी ॻाल्हि अगरि जंहिं रेली सपोर्ट आहे त पोइ असांखे एजुकेशन सेक्टर्स ॾिए स्कॉलरशिप ॾिए ऐं स्कॉलरशिप सिर्फ़ु 9th ऐं 10th क्लास जे लाइ न जेके मोस्टली अचनि थियूं त 9th ऐं 10th क्लास जे लाइ उहो सिर्फ़ु स्कॉलरशिप था ॾियनि त मां ॾिसो न पाकिस्तान में जेको ॿार आहे 9th ऐं 10th जो हुनजी वधि में वधि जेका एज आहे 13 खां 14 साल ताईं हूंदी आहे हाणे 13 खां 14 साल ताईं एज जे ॿार खे पहिरीं ॻाल्हि जेको अकेडमी पाकिस्तान त असांखे ॿार खे एतिरी सोची न हूंदी आहे त मूंखे करिणो छा आहे 13 खां 14 साल जे ॿार में मोस्टली मेच्योर ई न हूंदो आहे जेको मेच्योर ॿार ईंदा आहिनि उनखे हिकिड़ो त उनजा पेरेंट्स बि मोस्टली वञण न ईंदा त उहो फॉरेन वञंदा स्कॉलरशिप सो बि सिर्फ़ु इंग्लिश जे लाइ अगरि पाकिस्तान में ॿी ॻाल्हि त सभु कुझु आहे पाकिस्तान में लीडरशिप तव्हांजो सुठी न आहे त अगरि लीडरशिप पाकिस्तान में सुठी हूंदी त सुठा लीडर पैदा थींदा त पाकिस्तान तरक़ी कंदो त हुन जे लाइ हुनखे लॉ ऐं स्कॉलरशिप ॾियणु खपनि पाकिस्तान में टेक्निक्स न आहिनि त उहो आई टी में स्कॉलरशिप ॾियनि त हुन जे लाइ ज़बरदस्त थी वेंदो सोच आहे त अमेरिका असांखे सपोर्ट करे ख़ासि करे पंहिंजी असांजी गुरबत दूरि करण जे लाइ ऐं जेके तव्हां एरिया ॾिसिया जिते कहिड़े खपेनि परफेक्ट आहिनि पर मुंहिंजो जेको व्यूज़ आहे जेका मुंहिंजी सोच आहे त असां केसि ताईं ॿियनि जे लाइ वेट कंदासीं त ॿिया असांजी सपोर्ट कनि कुझु असांखे पाण खे बि करिणो आहे ऐं छो पाकिस्तानी सियासतदान या पाकिस्तानी फैक्ट्रीज़ या पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर छो नथो तरक़ी करे त असांखे पाण खे बि कुझु इन शइ ते ॾिसणु खपे देश में
सर अजीत तमाम सुठा पंहिंजा आइडियाज़ शेयर कया बिल्कुलु मां इहो ई शुरू में चयो त असांखे हर शइ पाण खे बि करणी पवंदी जेसिताईं असां पाण कुझु न करे सघंदासीं तेसिताईं मतिलबु जेको आहे सभु कुझु नथो थी सघे पर असांजो जेको हिन में टॉपिक हुयो त अमेरिका हर टाइम दावा करे थो त मां पाकिस्तान जो तमामु बहितरीन दोस्त आहियां ॾुखे वक़्त में सपोर्ट कई आहे अॼु पाकिस्तान जॾहिं ॾुखे मरहले मां गुज़रे थो त असां सम्झोसीं इहो ई चए थो त पाकिस्तान गेट जी ज़रूरत नाहे पाकिस्तान में वॾी ज़रूरत आहे त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कयो पाकिस्तान में बहितरीन लीडर पैदा कयो जीअं तव्हांजे मुल्क में बहितरीन तालीम आहे ऐं तव्हां बहितरीन लीडर पैदा कया लीडर हमेशह तालीम सां पैदा थींदा आहिनि उनजे लाइ असां चऊं था त जेकॾहिं तव्हां पाकिस्तान जी मदद करणु चाहियो था त पाकिस्तान जी सिर्फ़ु तव्हां इन ज़रिए सां मदद करे सघो था त पाकिस्तान जे ट्रेड खे फ्लो करायो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐं उनखे अहमियत ॾियो इक्वल फुटिंग ते मां जेको आहे सो तव्हां गुरबत जे हवाले सां ॿुधाइणु चाहींदो त गुरबत जेको आहे सो पूरी दुनिया जो मसइलो आहे सिर्फ़ु पाकिस्तान में न आहे पर पूरी दुनिया में आहे ऐं जेकॾहिं अमेरिका जंहिं बि मुल्क जी सपोर्ट करणु चाहे या सपोर्ट करे गुरबत ख़तमु थी सघे थी पर सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु गुरबत खे ख़तमु करण जे लाइ अमेरिका जी सपोर्ट सफिशियंट न आहे पर उन लाइ कुझु कंडीशन्स ट्रम्स आहिनि त जेकॾहिं असां प्रॉपर जेकॾहिं असां एजुकेशन इक्वल ॾींदासीं त गुरबत ख़तमु थी सघे थी जेकॾहिं असां एसलेटरूं एग्रीकल्चर कंदासीं जेकॾहिं असां एग्रीकल्चर जी ग्रोथ कंदासीं त बि गुरबत ख़तमु थी सघे थी जेकॾहिं असां गुरबत ख़तमु करण लाइ मिसाल जेकॾहिं के बि मिसाल हिन जूं रेग्युलेटरियूं हिन जे लाइ गुरबत ख़तमु करण जे लाइ पहिरीं असांखे प्रॉपर हिसाब कयो वञे जंहिं जेको इन्वेस्टमेंट कई वञे इन में असां वटि जेको बि मिसाल पैसो वग़ैरह अचे थो मिसाल डॉलर जी सपोर्ट जेको आहे सो इकानमी जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे पर पाकिस्तान में ईअं कयो वेंदो आहे जॾहिं बि मिसाल असांखे असां लाइ जेका का शइ दरामदी आहे उहा वधीक आहे ऐं जेको आहे सो असांजे पास ॿाहिरि एक्सपोर्ट तमामु घटि आहे इहो बि तमामु घणो जेको आहे सो इशू आहे पॉवर्टीअ लाइ हाणे इन खे ख़तमु करण जे लाइ जेको आहे सो हुकूमत खे जेको नवां प्लान आहिनि उहे ख़तमु करणु घुरिजनि ऐं जेको आहे सो तालीम जे लाइ जेको आहे सो तालीम इक्वल ॾिनी वञे ऐं जेको आहे इंसाफ़ जेको आहे सो मुहैया कयो वञे ऐं जेको आहे आवाम खे या जेको आहे सो उनखे प्रॉपर जेको आहे सो गाइड कयो वञे त जीअं उहे पंहिंजे पाण करे सघनि ज़रूरत नाहे पाण खे हेतिरी आवाज़ ईअं हली वेंदो अलहमदिल्ला स्पीकिंग फ्रॉम अ क्रॉस